नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर की एक और नई वीडियो में। सो गाइस, एक तरफ जो है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को लेकर भारतीय फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आईपीएल की टीमें भी अब जो है मतलब मुस्तैद हो गई है, क्योंकि आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी रिलीज्ड प्लेयर्स की लिस्ट जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। 5 प्लेयर्स को जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज करा गया है, और आपको फेक न्यूज नहीं बता रहा, एकदम रियल अपडेट बता रहा हूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना ताकि मेरी लेटेस्ट रियल अपडेट्स आपको आईपीएल 2023 पर मिलते रहे। फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम का कंफर्म्ड रिलीज हो चुका है, वो है भाई साहब शार्दुल ठाकुर। जी हां दोस्तों, दिल्ली की टीम जो है शार्दुल ठाकुर को रिलीज करने वाली है, ये कंफर्म्ड हो चुका है। 10.75 करोड़ रुपए में परचेज करा गया था, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस जो है शार्दुल ठाकुर का नहीं आया था। 14 मैचेस में जो है मात्र 120 रन बनाए थे बल्ले के साथ और 13 ही विकेट लिए थे गेंदबाजी के साथ। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो इनको रिलीज करने वाली, शार्दुल ठाकुर जो है कंफर्म्ड रिलीज होने वाले, इतना पर्स जो है डिजर्व नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम का डिसीजन बहुत अच्छा है। दूसरा प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिलीज करने वाली है, वो है विकेट कीपर बल्लेबाज केएस भरत। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2 करोड़ रुपए में परचेज करा गया था। देखिए गाइस, अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें ना, तो मात्र 2 मैचेस खिलाए थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने और 2 मैचेस में मात्र 8 ही रन बनाए थे केएस भरत ने। अब वैसे ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पर्स की जरूरत है और अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है केएस भरत को भी रिलीज करने वाली है, कंफर्म्ड हो चुका है। और दूसरा प्लेयर जो है केएस भरत रिलीज होने वाला है। तीसरा प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कर रही है रिलीज, वो है भाई साहब मनदीप सिंह। मनदीप सिंह को जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 1.10 करोड़ रुपए में परचेज करा गया था। मनदीप सिंह का परफॉर्मेंस भी नहीं आया था 2022 के आईपीएल में, एज अ मिडिल ऑर्डर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बल्लेबाज के तौर पर लिया गया था। और मनदीप सिंह जो है एक समय पर आरसीबी की टीम की तरफ से बहुत अच्छा खेला करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही मनदीप सिंह में। 2022 में जो है मनदीप सिंह ने 3 मैचेस खेले थे, मात्र 19 रन बनाए थे और एवरेज भी बहुत ज्यादा कम है। तो मनदीप सिंह भी है मतलब रिलीज होने वाले, 1.10 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। चौथा खिलाड़ी जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से हो चुका है रिलीज, वो है टिम साइफर्ट। न्यूजीलैंड की टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ट भी रिलीज होने वाले। पिछले साल के आईपीएल में जो है इन्होंने 3 मैचेस खेले थे, मात्र 26 रन बनाए थे एज अ ओपनर, और इनका भी परफॉर्मेंस देखते हुए जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन पर भी मतलब इंटरेस्ट नहीं रखने वाली है। अगले साल जो है ये भी रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि डेविड वार्नर आपके पास ऑलरेडी जो है फॉरेन ओपनर के रूप में है, तो आपको इनकी क्या जरूरत है। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनको भी करने वाली है रिलीज। पांचवा प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिलीज करने वाली है, वो है अश्विन हेबार। देखिए गाइस, ज्यादा जाने माने खिलाड़ी नहीं है अश्विन हेबार, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है इन्होंने अच्छी अच्छी नॉक्स खेली थी, उसी के आधार पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इनको बेस प्राइस में लिया गया था 20 लाख में। और अश्विन हेबार भी रिलीज होने वाले, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के इनके आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इनको मौका नहीं दिया था। और 20 लाख रुपए मेरे हिसाब से जो है इनको रिलीज नहीं करना था। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो गाइस, ये 5 प्लेयर्स जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से रिलीज होने वाले, जो कि मैंने आपको कंफर्म्ड लिस्ट बता दी गई है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 14 करोड़ के समथिंग जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पर्स बनने वाला है ऑक्शन के लिए, तो काफी अच्छा पर्स हो जाएगा। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स की तरफ जाने वाली है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का डिसीजन सही लगा कि नहीं, आप भी अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसी तरह की आईपीएल पर रियल अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको पाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ठोक देना। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।